So we'll start with a quick revision of what we have learned in the last session. अगर आपको याद होगा तो last session में हमने position, size and nature of image formed by spherical mirrors start किया था. उसमें से पहला spherical mirror था concave, right? So we have started off with position, size and nature of image formed by spherical mirrors. उसमें हम पहला पहला मिरर हमने देखा था इन डिटेल, दैट इज कॉनकेव मिरर. तो अगर आपको याद है, ओवरऑल ओवरऑल आपको पिक्चर याद होना चाहिए. ओवरऑल ऐसा है कि टोटल 8 केसेस है, 8 में से 6 केसेस है कॉनकेव मिरर के, 2 केसेस है कॉन्वेक्स मिरर के, 6 में से 5 केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर आर ऑफ रियल इमेज फॉर्मेशन, रियल इमेज is always inverted, और एक केस है कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव में, एक केस है वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट. यहाँ तक क्लियर याद रहेगा? तो जो 5 केसेस थे रियल इमेज के, उसमें से 2 केसेस है मैग्निफिकेशन लेस देन 1, 1 केस है मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1, 2 केसेस है मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1. तो 5 में से 2 केसेस जो थे जिसमें मैग्निफिकेशन लेस देन 1 था, उसमें 2 केसेस थे, 1 में था मैग्निफिकेशन इज वेरी वेरी लेस देन 1, मतलब इमेज फॉर्म इज इन द फॉर्म ऑफ अ पॉइंट, उसको बोलते हैं पॉइंट डिमिनिश्ड. दूसरा केस था एम लेस देन 1 व्हिच इज डिमिनिश्ड. फिर एक था एम इक्वल टू 1 दैट इज इमेज साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज. फिर एक था एम ग्रेटर देन 1 इमेज साइज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट साइज मैग्निफाइड इमेज. फिर एक केस था एम वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 मतलब हाईली मैग्निफाइड. तो ये सारे केसेस आपको याद होने चाहिए. देन वी विल स्टार्ट ऑफ विथ अगेन रिवाइजिंग ऑल दिस. आपको ओवरऑल इतना याद रहना चाहिए कि कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में हम इनर सरफेस यूज करते हैं रिफ्लेक्शन के लिए और आउटर सरफेस हम लोग करते हैं पॉलिश. पॉलिश करना मतलब रफ करना, मतलब यहाँ से लाइट बाहर जा नहीं पाएगा. दिस इज व्हाट इट मींस. देन यू हैव प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन पासिंग थ्रू थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, एक है पोल, एक है फोकस पॉइंट, एक है सेंटर ऑफ कर्वेचर. आपको पता होना चाहिए पोल से फोकस तक का डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ये डिस्टेंस है फोकल लेंथ. सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो दिस डिस्टेंस इज आर व्हिच इज रेडियस, और पोल टू फोकस इज फोकल लेंथ. फोकल लेंथ हम डिनोट करते हैं स्मॉल एच से और ये डिनोट करते हैं कैपिटल आर से. बट हमको पता है एफ इक्वल टू आर बाय टू, तो आर इक्वल टू 2f. तो आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2f, इज इक्वल टू 2f, राइट? हम स्टार्ट करते हैं पहले केस से. पहला केस मतलब ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. कॉनकेव के केस में टोटल 6 लोकेशंस है जहां पे आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हो. उसमें से पहला लोकेशन है आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख रहे हो, दूसरा लोकेशन है आप सेंटर के बियॉन्ड रख रहे हो, तीसरा लोकेशन है एट सेंटर, चौथा लोकेशन है बिटवीन सेंटर एंड फोकस, पांचवा लोकेशन है एट फोकस, सिक्स लोकेशन है बिटवीन फोकस एंड पोल, करेक्ट? सो इन टोटल देयर आर 6 लोकेशंस वेयर यू कैन कीप एन ऑब्जेक्ट. तो स्टार्ट ऑफ विथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इंफिनिटी, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इंफिनिटी. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम डिनोट करते हैं यू से, इमेज डिस्टेंस हम डिनोट करते हैं वी से. आपको पता है when the object is at infinity, the rays coming from that object, the rays coming from that object, after reflection, they converge at focus. और इसको बोलते हो focal point, right? तो focal point is a point. मतलब अगर if the object is at infinity, image is formed in the form of a point. तो जो पहला केस था वो याद रखना. एंड ऑल्सो रिमेम्बर जिस साइड पे ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट कहाँ था? लेफ्ट साइड पे. इमेज भी कहाँ बना? लेफ्ट साइड पे. तो इन दिस केस इफ यू इक्वल टू इंफिनिटी वी इक्वल टू एफ,
मैग्निफिकेशन इज वेरी वेरी लेस देन वन, वेरी वेरी लेस देन वन मतलब इमेज साइज इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू ऑब्जेक्ट साइज, इसको हम बोलते हैं पॉइंट डिमिनिश। इमेज होता है रियल और रियल इमेज हमेशा होता है इनवर्टेड। इन्वर्जन का मतलब यहाँ पे ये है कि ऑब्जेक्ट रखते वक्त आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हो और इमेज बनता है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो अगर मैंने ऑब्जेक्ट को फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट को अगर मैंने ऐसा रखना है तो इमेज उल्टा बनेगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ इन्वर्टेड। यहाँ तक क्लियर पक्का? देन अब मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, तो अब उसके पास चांस क्या है? अब वो इंफिनिटी से पास में आएगा, किसके पास में आएगा? मिरर के पास में आएगा। तो नाउ द नेक्स्ट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ग्रेटर देन आर, क्योंकि सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस कितना है? आर। तो बियॉन्ड सी मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ग्रेटर देन आर, लेकिन आर इज नथिंग बट 2L, तो यू ग्रेटर देन 2L। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास में आता है वैसे वैसे इमेज मिरर से दूर जाता है। पहले इमेज कहाँ था? फोकस पे। अब कहाँ होगा? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर में। फोकस का डिस्टेंस कितना है? एफ। सेंटर का कितना है? 2L। तो इमेज डिस्टेंस वी इज ग्रेटर देन एफ बट लेस देन 2L, करेक्ट। तो ये पता होना चाहिए। देन एम इज लेस देन वन, इमेज ऑब्टेंड इज डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब ये होता है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कम है। अगेन इमेज इज फॉर्म ऑन द सेम साइड, रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज। क्लियर यहां तक? देन नेक्स्ट पोजिशन इज एट सेंटर। व्हेन सेंटर मतलब कितना? 2L। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर इमेज इज ऑल्सो एट सेंटर। इन दिस केस एम इज इक्वल टू वन। एम इक्वल टू वन मतलब सेम साइज, मतलब जितना साइज इमेज का है उतना ही साइज ऑब्जेक्ट का है। और अगर इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज सेम है, मैग्निफिकेशन वन है। मैग्निफिकेशन का और एक फॉर्मूला भी था वी अपॉन यू, तो वी इक्वल टू यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस आर सेम। अगेन द इमेज इज रियल एंड द इमेज इज इन्वर्टेड। सिमिलरली अब आप पहली बार ऐसा होगा कि आपने ऑब्जेक्ट को रखा सेंटर और एफ के बीच में, फोकस पॉइंट के बीच में, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ बट लेस देन 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे? सेंटर और एफ के बीच में, मतलब एफ से ज्यादा डिस्टेंस लेकिन 2F से कम डिस्टेंस। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू हैव एम ग्रेटर देन वन, मतलब इमेज इज मैग्निफाइड। फिर मैंने आपको बताया था सिर्फ सिर्फ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ऐसा केस था जहाँ पे इमेज डिस्टेंस ग्रेटर देन एफ है एंड लेस देन 2F है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? ग्रेटर देन 2F। अब उल्टा हो जाएगा, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ग्रेटर देन एफ बट लेस देन 2F एंड इमेज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 2L, क्योंकि इमेज विल बी फॉर्म बियॉन्ड सी, राइट। अगेन द इमेज इज रियल एंड अगेन द इमेज इज इन्वर्टेड। क्लियर? देन लास्ट केस ऑफ रियल इमेज फॉर्मेशन, आपने इसको रख दिया डायरेक्टली फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बना था? अब उल्टा है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ है? इमेज कहाँ बनेगा? इंफिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट मतलब यू, यू इक्वल टू एफ। इफ यू इज इक्वल टू एफ देन वी इक्वल टू इंफिनिटी, वी इक्वल टू इंफिनिटी। एम इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वन, इसको आप बोलते हो हाईली मैग्निफाइड। अगेन द इमेज इज रियल एंड इट इज इन्वर्टेड। क्लियर? ये पांच केसेस थे कौन सा इमेज है? रियल इमेज फॉर्मेशन। एक आखिरी केस है दैट बिलोंग्स टू वर्चुअल इमेज, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल एंड फोकस मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस देन फोकल लेंथ। इमेज इज फॉर्म्ड इनसाइड द मिरर। ये एक ही केस है जिसमें इमेज बनता है इनसाइड। इनसाइड मतलब ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड मतलब वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है? इरेक्ट होता है, राइट। देन
इनसाइड द मिरर, इतना लिखना सफिशियंट है, इनसाइड द मिरर, क्योंकि डिस्टेंस मेजर कैसे करोगे, मिरर के अंदर तो कोई रेफरेंस पॉइंट है ही नहीं, सारे पॉइंट कहाँ पे है, बाहर है, फोकस कहाँ है, बाहर है, सेंट्रल कर्वेचर कहाँ है, बाहर है, मिरर के अंदर कुछ है क्या, नहीं, तो फिर से बोल देना इनसाइड द मिरर। और इस केस में इमेज होता है मैग्निफाइड, ये एक ही केस है जिसमें वर्चुअल इमेज है मैग्निफाइड, दैट्स इट, बाकी किसी भी केस में, इन नन ऑफ द केसेस वर्चुअल इमेज इज मैग्निफाइड, वर्चुअल इमेज इज मैग्निफाइड ओनली इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये हो गया टेबल कंप्लीट फॉर कॉनकेव। अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स की, तो जो सेकेंड टाइप ऑफ मिरर है दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा है, यू शुड नो व्हाट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में हम आउटर सरफेस यूज करते हैं फॉर रिफ्लेक्शन, इनर सरफेस को हम करते हैं रफ, रफ मतलब पॉलिश। तो जो इनर सरफेस है दैट इज पॉलिश, एंड यू हैव प्रिंसिपल एक्सिस, यू हैव प्रिंसिपल एक्सिस हियर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। देन इन दिस केस यू नीड टू रिमेम्बर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कौन से पॉइंट्स थे, फोकस और क्या था, पोल, तो हमेशा सेम जगह पे ही है, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑल ऑफ देम आर इनसाइड द मिरर। कॉनकेव में दोज पॉइंट्स आर आउटसाइड द मिरर एंड इन केस ऑफ कॉन्वेक्स दे आर इनसाइड द मिरर। अब यहाँ पे आपके पास दो ही केस है, ऑब्जेक्ट को रखने के दो ही पोजीशन है, एक तो इंफिनिटी पे रख दो या फिर दूसरा पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख दो, या तो ऑब्जेक्ट होगा इंफिनिटी पे, रिमेम्बर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एट द लेफ्ट, लेफ्ट मतलब एनी वेयर इंफिनिटी या फिर एनी वेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, तीसरा तो पोजिशन हो नहीं सकता, ऐसा तो नहीं करेंगे ना, मिरर को तोड़ के अंदर रखे हैं, मिरर को तोड़ा ऑब्जेक्ट को अंदर रखे, फायदा क्या, रिफ्लेक्शन तो बाहर से होगा राइट। तो दो ही पोजिशन है एट इंफिनिटी, मतलब नंबर वन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इंफिनिटी, और एनी वेयर, और एनी वेयर बिटवीन बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, एनी वेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। पहले केस में यू शुड ऑलवेज नो, अगर आपको याद होगा फोकस डिफाइन कैसे किया था आपने कॉन्वेक्स के केस में, द पॉइंट एट विच रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर अपीयर टू बी डाइवर्जिंग, मतलब ये ऐसा पॉइंट है जहां से हमको दिखेगा कि रेज स्टार्ट हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, अगर याद होगा जो होना चाहिए, ये रे आया रिफ्लेक्ट होके गया, ये रे आया रिफ्लेक्ट होके गया, लेकिन दिखता क्या है हमको, दिखता ऐसा है कि रे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फोकस से, इसको क्या बोला था हमने, फोकल पॉइंट। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज हमेशा हमेशा कहाँ बनता है, फोकस पे, व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी इमेज इज ऑलवेज फॉर्म एट फोकस। मैग्निफिकेशन यहाँ पे कभी होता नहीं है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में कभी भी मैग्निफाइड इमेज आपको मिलेगा नहीं, इट इज ऑलवेज लेस देन वन, मतलब डिमिनिश जो होता है, इमेज इज वर्चुअल ऑन द अदर साइड एंड इलेक्ट, यू नो गाड़ी के जो साइड मिरर होते हैं वो कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज, ऐसा होता है कि जितना बड़ा गाड़ी उतना बड़ा हमको इमेज दिख रहा होता है, नहीं करेक्ट, ऐसा होता है क्या, गाड़ी रोड के ऊपर चल रहा है हमको उल्टा दिख रहा है, होता है नहीं, तो वर्चुअल इमेज है और क्या है, इरेक्ट है, तो कौन सा, गुड कॉन्वेक्स, और उसके ऊपर लिखा भी होता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर अपियर अपियर, अच्छा अच्छे से समझ लो, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपियर, तो जितना दूर दिखते हैं उससे ज्यादा पास में है वो, ठीक है, तो देन When you keep object anywhere between pole and focus, ये जो image बनेगा, image V,
वी इज ग्रेटर देन एफ एंड लेस देन 2f, राइट, गुड। देन यहाँ पर भी मैग्निफिकेशन क्या होता है, लेस देन 1, एक्चुअली इट इज लेस देन एफ, तो इमेज डिस्टेंस इज लेस देन फोकल लेंथ, ऐसा ही होगा, ऐसा ही है ना। अरे वो कॉन्वेक्स में आखिरी केस, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस मतलब वही, वी ग्रेटर देन एफ बट लेस देन 2f, बराबर ना। यस, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस मतलब इमेज डिस्टेंस इज लेस देन एफ, सो दैट इज व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड इस केस में, कॉन्वेक्स के केस में इमेज कभी फोकस के बाद जाता ही नहीं है, वो या तो फोकस पे होगा या फिर बिटवीन पोल एंड फोकस होगा, काम का है ये, आगे टेबल लगेगा एक। देन अगेन इमेज इज वर्चुअल एंड इनडायरेक्ट, याद रहेगा। यस, अब इतना अगर आपको याद है, ये 8 केसेस अगर आपको याद है, 6 कॉनकेव के, 2 कॉन्वेक्स के, और एक टेबल बनाना है हमको, वो टेबल नॉर्मली बुक्स में मिलेगा नहीं आपको, बट यू विल नीड दैट। वो क्यों लगेगा, क्योंकि अगर आपको याद होगा हमने एक इक्वेशन देखा था जिसमें बोला था मिरर फॉर्मूला, व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू। हमने और एक फॉर्मूला देखा था मैग्निफिकेशन का, एम इक्वल टू आई बाई ओ इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, या फिर वी बाई यू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो जब हमको इमेज डिस्टेंस, इमेज साइज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट साइज, मैग्निफिकेशन, फोकल लेंथ, इन सब में से कुछ भी एक पैरामीटर पूछा है, राइट, सपोज सपोज आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, आपको फोकल लेंथ दिया है और इमेज डिस्टेंस पूछा है, तो हम डेफिनेटली कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, 1 by f = 1 by v + 1 by u। मैंने आपको बताया था एज अ रूल, और वो रूल हम आज ही अप्लाई करने वाले हैं, एज अ रूल जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना था, तो सबसे पहले v को एक साइड पे रखो, एक बार जो चीज फाइंड करनी है उसको एक साइड पे रखा, उसके लिए कन्वेंशन यूज नहीं करना, फिर किसके लिए कन्वेंशन यूज होंगे, एफ एंड यू के लिए। तो कौन से केस में एफ पॉजिटिव, कौन से केस में एफ नेगेटिव, कौन से केस में यू पॉजिटिव, कौन से केस में यू नेगेटिव, वैसे यू तो कभी पॉजिटिव होगा नहीं क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखा है, लेफ्ट साइड में, करेक्ट, क्लियर। कौन से केस में वी पॉजिटिव, कौन से केस में वी नेगेटिव, कौन से केस में मैग्निफिकेशन एम पॉजिटिव, कौन से केस में मैग्निफिकेशन एम नेगेटिव, वो कैसे समझेगा, तो उसका एक टेबल बनाएंगे, तो विल मेक अ टेबल ऑफ इमेज फॉर्मेशन एंड साइन कन्वेंशन, टेबल फॉर इमेज फॉर्मेशन एंड साइन कन्वेंशन। ये जो टेबल है, ये टेबल टू बी स्पेसिफिक, ये हम इसके लिए बनाते हैं क्योंकि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किस पैरामीटर के लिए, कौन से इमेज के लिए, मतलब रियल इमेज है क्या, राइट, कि वर्चुअल है, तो कौन से पैरामीटर के लिए कौन सा साइन यूज करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। यहाँ तक क्लियर, तो ये टेबल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कौन से पैरामीटर को प्लस लेना है, कौन से पैरामीटर को माइनस लेना है, इन व्हाट कंडीशन, व्हाट कंडीशन मतलब इमेज कौन सा है, रियल है या वर्चुअल है, कॉनकेव मिरर है कि कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि मैंने बताया कॉनकेव मिरर में फोकस कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड में, तो फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव। सेंटर कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में, तो रेडियस क्या होगा, नेगेटिव। कॉन्वेक्स केस में, कॉन्वेक्स केस में फोकस पॉइंट कहाँ होता है, राइट में, तो फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव। सेंटर कहाँ होता है, राइट में, तो रेडियस क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर कभी रियल इमेज बनाता है क्या, हमेशा क्या बनाता है, तो इस केस में वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, इरेक्ट। तो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो आई इमेज साइज और ओ ऑब्जेक्ट साइज दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। इमेज डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इमेज कहाँ बना, ऑन द अदर साइड, करेक्ट। तो वी नीड टू नो एग्जैक्टली
कौन सा पैरामीटर पॉजिटिव लेना है, कौन सा पैरामीटर नेगेटिव लेना है, उसके लिए एक टेबल बनाएंगे। अब जब टेबल बनाओगे, फिजिक्स में कभी भी याद रखना, पहले तो आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है, और फिर समझेगा कैसे करना है। टेबल बनाना है किसका, साइन का, न्यूटन का, और मैंने एक वर्ड यूज किया है फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो कितने टाइप के इमेज फॉर्मेशन, दो, रियल एंड वर्चुअल, लेकिन मिरर भी तो दो है, तो इन टोटल दो मिरर की बात होगी, तो हमको कम से कम दो कॉलम लगेंगे। तो यू विल नीड मिनिमम टू कॉलम, मिनिमम टू कॉलम्स लगने वाले हैं, राइट, करेक्ट। लेकिन कॉनकेव में दो केसेस थे, रियल एंड वर्चुअल, कॉन्वेक्स में तो एक ही था ना, तो इसका मतलब कॉनकेव के केस में और दो कॉलम लगेंगे। तो यू विल नीड टू मोर कॉलम्स इन केस ऑफ कॉनकेव। तो पहले तो ऐसा दिखा देता हूं मैं, गुड। देन यहाँ पे कॉनकेव का केस है, इसमें दो पार्टीशन और डाल देंगे। इज दिस क्लियर? यस, पक्का? तो अगर दिमाग में आइडिया क्लियर है तो अपने आप ही सब होता है। तो डेफिनेटली अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर का केस है, और यहाँ पे ये कॉन्वेक्स मिरर का केस है। और डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि कॉनकेव के केस में या तो रियल इमेज बनेगा या फिर वर्चुअल इमेज बनेगा। ये रियल से समझ जाना, रियल मतलब क्या, रियल इमेज, और वर्चुअल मतलब क्या, वर्चुअल इमेज, बराबर। अब कॉन्वेक्स और केस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कॉन्वेक्स के केस में क्या बनता है हमेशा, वर्चुअल, तो वहां लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, डेफिनेटली नो, बराबर। अब आपको ये पता होना चाहिए, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा था, मैं बार बार आपसे पूछ रहा था कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, उसका इमेज का नेचर क्या है, कॉनकेव, ये कौन सा पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे, तो इमेज फोकस पे, नेचर ऑफ द इमेजेस रियल है, इन्वर्टेड तो रहेगा ही, रियल इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, बिटवीन एफ एंड सी, नेचर रियल, रियल, राइट। एट सी, एट सी, नेचर बिटवीन सी एंड एफ, रियल, वेरी गुड। एट एफ, रियल, वेरी गुड। तो आपको एक चीज समझ में आया कि रियल, रियल इमेज, रियल इमेज कब तक बना, जब तक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या तो ग्रेटर देन फोकल लेंथ था, ग्रेटर देन फोकल लेंथ मतलब इन्फिनिटी, ग्रेटर देन फोकल लेंथ, बियॉन्ड सी, ग्रेटर देन फोकल लेंथ है। फॉर एग्जाम्पल, फोकल लेंथ की वैल्यू अगर 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर, क्यों, 2 है, बराबर, करेक्ट। तो अगर मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, इन्फिनिटी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर से ज्यादा होकर के, यस, इमेज कौन सा, रियल। मैंने बियॉन्ड सी रखा, 22 सेंटीमीटर पे रखा, राइट, तो ग्रेटर देन 2F है, रियल। अगर मैंने एट सेंटर रखा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 20, 20 ग्रेटर देन 10, यस, मतलब ग्रेटर देन फोकल लेंथ है, यस। मैंने अगर 15 सेंटीमीटर पे रखा तो फिर भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ, बराबर। तो ये जो 5 में से 4 केसेस थे, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, इन चारों केसेस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ग्रेटर देन एफ, ग्रेटर देन फोकल लेंथ, चारों में इमेज कौन सा है, रियल। एक ही केस ऐसा है जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू एफ, मतलब ऑब्जेक्ट इज केप्ट डायरेक्टली एट फोकस एंड द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। तो रियल इमेज का जनरल कंडीशन क्या बन गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फोकल लेंथ, लेस हुआ, थोड़ा सा भी मैंने शिफ्ट कर दिया तो कौन सा इमेज, वर्चुअल, वेरी गुड। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा है रियल, तो मैं ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फोकल लेंथ, एंड वर्चुअल के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज स्ट्रिक्टली लेस देन फोकल लेंथ। क्लियर है यहाँ तक, पक्का? कॉन्वेक्स में कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, कॉन्वेक्स में तो दो ही जगह थी, इन्फिनिटी या फिर एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। अब कौन कौन से पैरामीटर हमको लगने वाले हैं,
यू नीड टू गो थ्रू द फ्लो। इमेज कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट होगा तो हमको यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करनी पड़ेगी, राइट। देन ऑब्जेक्ट है, मिरर है, तो उसका इमेज बनने ही वाला है, बराबर। मिरर है और कर्व्ड है तो उसका फोकल पॉइंट भी होगा, मतलब फोकल लेंथ भी होगा। मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा। देन क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया तो ऑब्जेक्ट का साइज भी कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का इमेज बना तो इमेज का साइज भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। कुछ रहेगा तो देख लेंगे बाद में, पर इतना तो कम से कम पता होना चाहिए। देन ये ऑब्वियसली अभी और हमको लगने वाला है, दो टू थिंग्स वी विल नीड मिनिमम मोर, मैग्निफिकेशन एंड इमेज साइज, राइट। देन यू विल नीड इमेज साइज एंड लास्टली यू विल नीड मैग्निफिकेशन। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? आई अपॉन ओ। इतने ही पैरामीटर होंगे, 1 2 3 4 5 7, सात है क्या उसमें? करेक्ट, गुड। अब ये सारे के सारे पैरामीटर, चाहे मिरर कॉनकेव हो, चाहे मिरर कॉन्वेक्स हो, चाहे इमेज रियल हो या फिर इमेज वर्चुअल हो, ये सारे के सारे लगने वाले हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे भी वही केस है, यू विल नीड ऑल दिस पैरामीटर्स, ऑल दिस पैरामीटर्स, करेक्ट। अब ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा? लेफ्ट साइड पे, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, इरेस्पेक्टिव ऑफ मिरर कौन सा है, इमेज कौन सा बना। मिरर कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव में रियल है, वर्चुअल है, डजेंट मैटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। बट रिमेंबर दिस, अगर आपसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है, आपको बोला है फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो फिर यू के लिए माइनस साइन यूज करेंगे क्या? नहीं करेंगे। वो सॉल्व करने के बाद अपने आप माइनस आएगा। अगर नहीं आया मतलब आपके कैलकुलेशन गलत है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब फाइंड करने के लिए बोला है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आना ही चाहिए। नहीं आया मतलब योर कैलकुलेशन आर रॉन्ग। रियल के केस में रियल इमेज डिफाइन कैसे किया था? व्हेन द इमेज इज फॉर्म ऑन द सेम साइड, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में तो इमेज भी कहाँ पे? हाँ, तो फिर इमेज डिस्टेंस क्या आएगा? कौन सा इमेज है? लेकिन वर्चुअल के केस में पॉजिटिव, बराबर। कौन सा मिरर है? कॉनकेव। फोकल पॉइंट लेफ्ट में है कि राइट में है? लेफ्ट में है, तो डिस्टेंस टू द लेफ्ट आर टेकन टू बी नेगेटिव, और ये भी आएगा नेगेटिव। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ आता है? लेफ्ट में, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगा? नेगेटिव एंड नेगेटिव। हम ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट साइज विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, बराबर। रियल इमेज हमेशा होता है इनवर्टेड, मतलब इमेज बनेगा बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि ऑब्जेक्ट वाज केप्ट अबव प्रिंसिपल एक्सिस, तो रियल इमेज में ये आ जाएगा नेगेटिव। लेकिन वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बनेगा तो ये आएगा पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन होता है आई बाय ओ, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। इमेज साइज इज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट साइज इज पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव, तो ये आएगा नेगेटिव। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज पॉजिटिव, ये आएगा पॉजिटिव। यहाँ तक क्लियर, करेक्ट। तो ये सारा का सारा डेटा काम में आएगा हमको, एंड रिमेम्बर, किसी बुक में नहीं मिलेगा, यू हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर ऑल दिस। कॉन्वेक्स मिरर का केस बहुत डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट है कि सिर्फ यू नेगेटिव है, बाकी सारे पॉजिटिव हैं, ऑल पॉजिटिव जस्ट एक्सेप्ट फॉर यू। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्चुअल इमेज ऑन द अदर साइड होता है, मतलब इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव, और फोकस राइट साइड में होता है, तो फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, सेंटर भी राइट साइड में होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट हमने हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा, तो ऑब्जेक्ट साइज इज पॉजिटिव। इमेज बनता ही वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, मतलब अबव प्रिंसिपल एक्सिस, तो पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन इज आई बाय ओ, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स का केस इज सो डिफिकल्ट,
हमको याद रखना पड़ेगा कि यू नेगेटिव एंड ऑल अदर आर पॉजिटिव, करेक्ट है ना, डिफिकल्ट, गुड, यहाँ तक क्लियर। तो ये जो दो टेबल, एक्चुअली तीन टेबल, एक कॉनकेव मिरर का, एक कॉन्वेक्स मिरर का, एक साइन कन्वेंशन का, अच्छे से याद रहेगा। तो नाउ यू आर प्रिपेयर्ड टू स्टार्ट विथ सम न्यूमेरिकल्स, एग्जाम्पल 9.2। एंड वेट, जब तक ये एग्जाम्पल खत्म नहीं होता तब तक नन ऑफ यू विल टेक आउट योर नोटबुक्स टू राइट एनीथिंग। पहले हम एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आई विल गिव यू टाइम टू राइट डाउन। तो सबका ध्यान यहाँ पे, एग्जाम्पल 9.2। अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज केप्ट सिमेट्रिकली, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली मतलब द ऑब्जेक्ट इज ऑन द एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट 38 डिग्री। दिस एंगल इज नाउ ग्रेजुअली इंक्रीज टू 41 डिग्री, ग्रेजुअली इंक्रीज। आई एम टेलिंग यू, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सिमेट्रिकली मतलब ऑन द एंगल बाई सेक्टर, ग्रेजुअली मतलब स्लोली, मतलब 38 डिग्री से डायरेक्ट 41 पे नहीं जा रहे हो आप, 38 से 38.1, 38.2, 38.3, स्लोली स्लोली 41। अब हम हर एक के लिए तो चेक नहीं कर सकते, तो कम से कम हमको 38, फिर 39, फिर 40, फिर 41, चार अलग अलग एंगल देने पड़ेंगे ओनली बिकॉज ऑफ दिस सिंगल वर्ड ग्रेजुअली। अगर ये ग्रेजुअली नहीं बोला होता, दिस एंगल इज नाउ इंक्रीज टू 41, मतलब दो ही एंगल देने हैं 38 एंड 41, बट ग्रेजुअली बोलना मतलब 38 और 41 के बीच में भी क्या हो रहा है वो देखना पड़ेगा। और आगे पढ़ोगे, द ऑब्जेक्ट बीइंग सिमेट्रिकल ऑल द टाइम्स, मतलब आप जब एंगल को 38 से 41 कर रहे थे तो ऑल द टाइम, हर बार, चाहे एंगल 38.5 हो, चाहे 40 हो, चाहे 40.5 हो, हर बार ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑन द एंगल बाइसेक्टर, राइट। डिटरमाइन द नंबर ऑफ इमेजेस विजिबल ड्यूरिंग द प्रोसेस। ड्यूरिंग द प्रोसेस मतलब ये जो एंगल इंक्रीज करने का प्रोसेस था, उस प्रोसेस के टाइम पे हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस आर विजिबल। तो टू स्टार्ट विथ, पहले सिचुएशन समझ लो, ये दो मिरर्स थे, इनिशियल एंगल था 38, फाइनल एंगल है 41। तो 38 से 41 जाते जाते, राइट, दोनों में मुझे बताना पड़ेगा यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर। तो ये है एंगल बाइसेक्टर और यहाँ पे भी ये है एंगल बाइसेक्टर। एवरी टाइम, चाहे एंगल 38 हो, चाहे एंगल 38.5 हो, चाहे एंगल 39.9 हो, कुछ भी हो 41 तक, क्योंकि आप ये स्लोली प्रोसेस कर रहे हो ना, इनिशियल एंगल कितना था 38 डिग्रीज, फाइनल एंगल कितना है 41 डिग्रीज, 38 से 41 डायरेक्ट जंप किया क्या हमने? नहीं, तो प्रोसेस क्या था? स्लो था। तो ड्यूरिंग दिस स्लो प्रोसेस वी हैव मेड श्योर कि एंगल बढ़ते बढ़ते हर बार ऑब्जेक्ट भी सिमेट्रिकल है, मतलब हर बार ऑब्जेक्ट इज ऑन द एंगल बाइसेक्टर। तो इस प्रोसेस में कितने नंबर ऑफ इमेजेस विजिबल हुए? तो वी विल स्टार्ट विथ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं बोल दूंगा 38 को, मैं बोल दूंगा गिव इनिशियल एंगल। तो इनिशियल एंगल थीटा वन कितना था 38 डिग्री, फाइनल एंगल थीटा टू कितना है 41 डिग्री। हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ इमेजेस, मतलब कैपिटल एन, और कैपिटल एन डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ स्मॉल एन पे, क्योंकि स्मॉल एन डिसाइड करेगा कि कैपिटल एन कितना। अगर स्मॉल एन इवन है तो कैपिटल एन क्या है? एन माइनस वन। अगर स्मॉल एन ऑड है तो कैपिटल एन क्या है? और एन माइनस वन क्यों? हमेशा सिमेट्रिकल, क्योंकि दो केस से, अगर एन ऑड है तो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो एन माइनस वन, असिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो एन। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? ऑलवेज सिमेट्रिकल, तो दूसरा फॉर्मूला सोचने की जरूरत है कि हमको नहीं? और अगर इंटीजर हुआ तो? मैंने बोला इंटीजर हुआ, इंटीजर ही था, ऑड इवन इंटीजर ही होता है। मुझे बोलना चाहिए था अगर नॉन इंटीजर हुआ तो,
अगर नॉन इंटीजर हुआ तो मतलब 9.23 ऐसा कुछ आया तो नहीं, वेरी गुड। तो जागते रहो, मैं जानबूझ के ऐसा बीच में वर्ड मिक्स करता हूँ। और इवन इंटीजर ही होता है, आई शुड बी आस्किंग अगर नॉन इंटीजर हुआ तो, करेक्ट क्लियर। तो नॉन इंटीजर हुआ तो इंटीग्रल पार्ट। अब वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद सॉल्यूशन हियर। देन सबसे पहले अलग अलग एंगल्स के लिए मैं पहले एंगल लेता हूं 38। लेट थीटा इक्वल टू 38 डिग्री, स्मॉल एन इज 360/38। ऊपर 360 है, नीचे 36 होता तो 10 आता। नीचे का नंबर बड़ा है तो नंबर टोटल 10 से छोटा है, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट? 9 पॉइंट समथिंग आएगा तो इमीडिएट कितने? 9। फिर भी करके देख लो, फॉर योर कन्वीनियंस करके देख लो। तो 360/38 करके रखा था मैंने, 9.47। तो इस केस में ये आपको मिल गया 9.47। देयरफॉर नंबर ऑफ इमेजेस इज 9। नंबर टू डायरेक्टली 41 पे जाना नहीं, मैंने पहले ही बोला ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, तो 39 भी चेक करना पड़ेगा। डायरेक्टली 41 पे गए तो गड़बड़ हो जाएगी, तो 39, 38 के बाद 39, ये भी करके रखा है 9.23, 9.23। तो इस केस में एन आएगा 360/39, विच इज 9.23। वापस नंबर ऑफ इमेज कितने हैं? 9। तीसरा केस, थीटा इक्वल टू 40, तो स्मॉल एन इक्वल टू 360/40 कितना? 9। और है क्या? अब तो और नहीं है तो क्या है फिर? और है ना ये, और ऑब्जेक्ट क्या है? सिमेट्रिकली प्लेस, तो एन माइनस वन, तो 9 माइनस 1 मतलब कितने इमेजेस? 8 इमेजेस, वेरी गुड। देन 41, थीटा इक्वल टू 41, एन इक्वल टू 360/41, 8 पॉइंट समथिंग। दिस इज 8 पॉइंट समथिंग, व्हाट 8 पॉइंट समथिंग देख लेते हैं। आई हैव डन दिस ऑलरेडी। 8.78, 8.78, 8.78। सो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म आर 8, करेक्ट। सो इन दिस प्रोसेस हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस विजिबल? 9 और 8, राइट? जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ इमेजेस कम होते जाएंगे, क्लियर आता है? देयरफॉर नंबर ऑफ इमेजेस विजिबल आर, देयरफॉर नंबर ऑफ इमेजेस विजिबल ड्यूरिंग द प्रोसेस आर 9 और 8। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 9.3, अ थिन पेंसिल ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, इसको पेंसिल भी बोल सकता हूँ। इट इज अ थिन पेंसिल ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, इज केप्ट अलोंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। तो दो तीन वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अलोंग मतलब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि आपने देखा है हमने मैग्निफिकेशन दो टाइप के देखे थे, लैटरल जिसमें ऑब्जेक्ट वॉज केप्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, और लॉन्गिट्यूडिनल जिसमें ऑब्जेक्ट वॉज केप्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अलोंग मतलब क्या? पैरेलल ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। जब ऐसा बोला होता है कॉनकेव मिरर ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया है कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना होगा? 15 सेंटीमीटर r/2। नियरेस्ट एंड ऑफ द पेंसिल इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, वॉट विल बी द साइज ऑफ द इमेज ऑफ द पेंसिल। तो पहले हम इसके लिए ड्रॉ करेंगे डायग्राम, और डायग्राम से हम पूरा पिक्चर क्लियर करेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग।
तो हमारे पास है एक कॉनकेव मिरर एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड देर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पोल यू हैव अ फोकस हियर फोकल पॉइंट एफ एंड यू हैव सेंटर ऑफ कर्वेचर. डेफिनेटली यू नो ऑफ कोर्स यू नो पोल से फोकस तक का डिस्टेंस है फोकल लेंथ, पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर. राइट गुड. तो यू नो यू ऑलरेडी नो ये डिस्टेंस है स्मॉल एफ, ये डिस्टेंस है आर विच इज इक्वल टू टू एफ. बराबर गुड. अब गिवन में क्या क्या है पहले हम लिख लेते हैं एंड देन वी विल ड्रॉ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट अभी तक ड्रॉ नहीं किया मैंने, पेंसिल हमने ड्रॉ नहीं किया यहाँ पे. तो गिवन आर की वैल्यू 30 सेंटीमीटर थी तो एफ की वैल्यू आर बाय टू मतलब आ जाएगा 15 सेंटीमीटर. करेक्ट. अब आगे बोला है हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो है पेंसिल और पेंसिल का लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर. पोल से फोकस कितना 15. फोकस से सेंटर कितना और 15. तो पोल से सेंटर कितना 30. रिमेंबर आपने बोला 30. करेक्ट है, डोंट वरी, करेक्ट है, लेकिन आपने बोला 30. तो यहां से यहां तक गया तो कितना 30. इसका अगर 2/3 लेता हूं तो कितना 20, क्योंकि यू मस्ट रिमेंबर 2/3 of 30 is 20. तो ये डिस्टेंस कितना आ गया 20. मतलब ये हो गया पेंसिल का साइज. बराबर, ये है पेंसिल ऑब्जेक्ट. यहाँ पे आपको अप टू द स्केल ड्रॉ करना पड़ेगा. अगर आपने लेंथ भी गलत दिखा दिया तो आंसर गलत आएगा, आंसर विल बी रॉन्ग. तो यहाँ पे एवरीथिंग विल मैटर. आप ऑब्जेक्ट का साइज कितना दिखा रहे हैं उसमें भी. आगे क्या बोला है, आगे बोला है नियरेस्ट एंड. अब इसके दो एंड है, मैं दो एंड भी ड्रॉ कर देता हूँ. आई विल ड्रॉ टू एंड्स हियर. ऑफ कोर्स यू नो इट हैज टू एंड्स. ये हो गया एक एंड, ये हो गया दूसरा एंड. राइट. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसा बोला था नियरेस्ट एंड. नियरेस्ट एंड किसका? पेंसिल का. नियरेस्ट एंड ऑफ पेंसिल इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पोल. क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ोगे तो जो नियरेस्ट एंड है पेंसिल का वो पोल से कितने डिस्टेंस पे है? पोल से फोकस कितना है 15. फोकस से सेंटर कितना है और 15. बराबर. तो ऑब्जेक्ट आपका समथिंग लाइक दिस ऐसा रखा हुआ है. बराबर क्लियर. क्योंकि ये 15 और ये 15, इस 15 का 5 बचा हुआ 10, 15 का 5, 5 और 15 20, तो 20 सेंटीमीटर. क्लियर यहां तक? करेक्ट. आपको पूछा है ये जो पेंसिल है इसका जो इमेज बनेगा वो इमेज का साइज क्या होगा. अब हमने ऐसा तो कुछ देखा नहीं, देखा क्या हमने कि ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस हो, मतलब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो, तो डायरेक्टली हम इसका इमेज फाइंड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, हमने सीखा ही नहीं पूरे थ्योरी में, अभी तक कहीं नहीं हुआ. तो फिर हम क्या करेंगे, हम दिमाग यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि वी आर ह्यूमंस, हमको पता है जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो क्या करो. अब ऐसा इमेजिन करो कि ये जो पेंसिल है ये सिंगल ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये दो ऑब्जेक्ट है. पेंसिल का एक एंड एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा एंड दूसरा ऑब्जेक्ट है. राइट. तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते वक्त पहले तो मैं लिख देता हूँ फाइंड क्या करना है. क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ इमेज. क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ इमेज. किसका इमेज? पेंसिल का. लेंथ ऑफ इमेज ऑफ पेंसिल, इसका ये हमको लेंथ फाइंड करना है. और इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला मैं बाद में लिखूंगा, सिर्फ मैं यहाँ लिख देता हूँ लेंथ ऑफ इमेज ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू, इतना लिख के छोड़ देता हूँ, फॉर्मूला बाद में बनाएंगे. अब जब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, एज आई टोल्ड यू, क्योंकि हमने अभी तक ऐसा कोई फॉर्मूला देखा नहीं जिसमें ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो
और उसका डायरेक्टली इमेज कितना बनेगा, इमेज का साइज कितना होगा, वो डायरेक्टली फाइंड होता नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने इस पेंसिल को सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रीट नहीं किया, हमने इसको ट्रीट किया एज टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो लेट लेट अस अज्यूम अज्यूम दैट दैट ईच एंड ऑफ पेंसिल ईच एंड ऑफ पेंसिल इज वन ऑब्जेक्ट। Therefore, pencil can be treated as two different objects, treated as two different objects. तो जो हमने तीन टेबल सीखे थे उसका पूरा नॉलेज आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, पूरा का पूरा। अब द आइडिया इज, अगर ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, मैं वन बाय वन बात करूंगा। अगर ये पहला ऑब्जेक्ट है तो पहले ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज यू वन, क्या आएगा ये यू वन, क्यों यू वन, क्योंकि हमने हमने इसको पहला ऑब्जेक्ट बोला है, तो ये क्या आएगा यू वन, एंड एज यू सेड 20 सेंटीमीटर करेक्ट है, बिकॉज उन्होंने मेंशन किया है द नियरेस्ट एंड इज एट 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और आ गया, दैट इज यू वन इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ऊपर से आपको ये भी बोला है कि लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, तो ये खुद भी 20 सेंटीमीटर है, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट विल बी 20 + 20 = 40 सेंटीमीटर। मतलब सेकेंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस विल बी 40 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा यू टू, दिस इज यू टू। तो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और मिल गई, दैट इज यू टू इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर, फोकल लेंथ पता है, यू वन यू टू पता है, तो वी वन वी टू मिल जाएगा। अब उससे भी पहले V1 V2 का फॉर्मूला तो हम यूज करने ही वाले, तो दो फॉर्मूला यूज होंगे, एक होगा 1/F = 1/V + 1/U। बट रिमेम्बर, पहला ऑब्जेक्ट इट इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर, इमेज फ्रॉम दिस बियॉन्ड सेंटर, बराबर इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड एंड मैग्नीफाइड। वैसे मैग्नीफाइड में नहीं भी बोलता तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि हमको ये नहीं पूछा कि मैग्निफिकेशन कितना है, हमको पूछा लेंथ ऑफ इमेज। दो दो मैग्निफिकेशन है यहाँ पे, एक है लैटरल एक है लॉन्गिट्यूडनल। तो लेंथ ऑफ इमेज मतलब क्या पूछा है आपसे, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन पूछा है। लेंथ ऑफ इमेज मतलब क्या पूछा है, लॉन्गिट्यूडनल। लैटरल पूछा है क्या, नहीं। तो ये ऑब्जेक्ट नंबर वन बिटवीन एफ एंड सी, इमेज इज बियॉन्ड सी। जस्ट अ मिनट, तो इमेज विल बी समवेयर ओवर हियर। अब मुझे पता ही है तो मैं थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर रहा हूं इसको, बट यू नीड टू रिमेम्बर, जरूरत नहीं है यहाँ पे, आप जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज दिखा सकते हो। मैं थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ क्योंकि हमको एडिशनली पता ही है कि ये लैटरली मैग्नीफाइड है ना, लैटरली मैग्नीफाइड। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो मैग्नीफिकेशन इज लेस देन वन, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी तो मैग्नीफिकेशन इज लेस देन वन, ऑब्जेक्ट एट सी तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू वन, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ मैग्नीफिकेशन इज ग्रेटर देन वन। तो ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ा बड़ा इमेज का साइज दिखा दिया, इसको क्या बोलोगे, लैटरल मैग्नीफिकेशन। यहां तक क्लियर, देन अगर ये क्लियर है तो ऐसा है, यू नीड टू रिमेम्बर ऑल दिस, ये पहले ऑब्जेक्ट का इमेज बना, किसका किसका पहले ऑब्जेक्ट का इमेज, किसका पहले ऑब्जेक्ट का इमेज। तो फिर यहां से पोल तक का डिस्टेंस, यहां से पोल तक का डिस्टेंस, इसको क्या बोलोगे, इमेज डिस्टेंस किसे डिनोट करते हो, वी से, वी वन, सिंपल, दिस इज वी वन, बराबर।
ऑब्जेक्ट नंबर टू कहां पे है? बियॉन्ड सी. तो इमेज कहां बनेगा? बिटवीन सी एंड एफ. इमेज का लैटरल मैग्निफिकेशन क्या होगा? लेस देन वन. मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा दिखने वाला है. बराबर? यस, गुड. ऐसा है तो ये आपका बन गया इमेज ऑफ पेंसिल. तो पेंसिल इन रियलिटी यूनिफॉर्म थिक था, हर जगह पे सेम थिकनेस था, लेकिन जो इमेज बना उस केस में एक एंड छोटा दिखेगा, दूसरा एंड बड़ा दिखेगा. ऐसा आप नहीं भी ड्रॉ करोगे तो कोई मार्क्स नहीं काटने वाला. हम कर ही रहे सॉल्व, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी करते जाएंगे, बेटर फॉर यू. ये किसका इमेज था? सेकेंड ऑब्जेक्ट का. तो सेकेंड ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस जब मैं लूंगा तो क्या बोलेंगे इसको? V2. तो ये आ जाएगा V2. थोड़ा सा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है ही, उसको कुछ नहीं कर सकते. V2. क्लियर यहां तक? यस. आपको पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ इमेज. लेट मी आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन. मेरे पास एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B. A का कोऑर्डिनेट है X1, B का कोऑर्डिनेट है, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन A एंड B? X1 माइनस X2. हमारे पास पेंसिल का एक एंड था जिसका इमेज बना V1 डिस्टेंस पे. पेंसिल का दूसरा एंड है जिसका इमेज बना V2 डिस्टेंस पे. लेंथ ऑफ इमेज फाइंड करना है, लेंथ ऑफ इमेज फाइंड करना है, तो V1 में से किसको माइनस करना पड़ेगा? V2. तो V1 माइनस V2 विल गिव मी लेंथ ऑफ इमेज. मतलब हमको क्या फाइंड करना है? V1 माइनस A2. आगे ध्यान में? पक्का? देन यहां तक क्लियर? ओके. देन एज आई टोल्ड यू, यहां पे फॉर्मूला और एक फॉर्मूला यूज होगा. कौन सा? 1/s = 1/v + 1/u. अब ये क्यों यूज किया? क्योंकि v1 माइनस v2 फाइंड करना है कि नहीं? तो v1 और v2 फाइंड करना है, मतलब v1 फाइंड करना है और v2 फाइंड करना है. तो v कैसे फाइंड करोगे? 1/s = 1/v - 1/u से. तो हमको दूसरा फॉर्मूला तो लगेगा. ये तो पहला फॉर्मूला था. जो दूसरा हमको लगने वाला है वो है 1/s = 1/v + 1/u. मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो फाइंड करना है उसको एक साइड रखो. कौन फाइंड करना है? 1/v. या जाएगा 1/s माइनस. फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो पैरामीटर आपको फाइंड करना है उसका साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना. तो क्या फाइंड करना है हमको? वी. तो वी के लिए कन्वेंशन यूज करेंगे क्या? नहीं. किसके लिए करेंगे? एफ एंड यू. एफ क्योंकि मिरर कौन सा है? कॉनकेव. तो एफ क्या है? बराबर. यू मिरर कौन सा है? उससे कोई रिलेशन नहीं है, ये तो नेगेटिव ही होता है. मैंने आपको बार बार बोला, मैं ऐसे कुछ तो वर्ड बोल दूंगा जस्ट टू चेक इफ यू पे अटेंशन और नॉट. ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट पे रखा ना, तो उसका क्या रिलेशन आया? मिरर कौन सा है? नहीं. करेक्ट. 1/v = f. क्या लोगे? u क्या लोगे? माइनस. माइनस क्या होगा? प्लस. तो देयरफॉर 1/v = -1/f + 1/u. ये बन गया फॉर्मूला. अब therefore पहले फाइंड कर लेंगे v1. तो 1/v was 1/-s. मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इसको, कैन वी राइट इट लाइक दिस? क्या फाइंड कर रहे हो? तो क्या लिखोगे? u1 एंड, लेकिन मिरर एक थे कि दो थे? मिरर दो थे, मिरर एक ही था. तो फोकल लेंथ दो होंगे कि एक होगा? अब तो f1 f2 क्या क्यों लिखना है? फिर क्या लिखोगे यहाँ पे? f. Right? So, therefore, 1/v1. What is u1? What is f? 15 - 20/20 × 15. इसका reciprocal ले लो.
इंटू 15 ऊपर आ जाएगा, माइनस 5 नीचे रह जाएगा, वन द एंड हाउ मच, नहीं माइनस 16। तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आने का मतलब क्या, इन्वर्टेड नहीं रियल इमेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो, ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज डिस्टेंस है वो, इमेज साइज नहीं है। इमेज साइज आई की वैल्यू नेगेटिव आना मतलब इन्वर्टेड, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आना मतलब रियल इमेज, क्योंकि जिस साइड पे ऑब्जेक्ट ऑफ साइड पे इमेज बना वो तो पता ही था बराबर, इसलिए पहले डायग्राम ड्रॉ किया। डायग्राम नहीं ड्रॉ करोगे तो फिर आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, यू कैन नॉट वेरीफाई। हो गया वेरिफिकेशन, कैसे, ऑब्जेक्ट कहाँ था, बिटवीन एफ एंड सी, इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी बराबर। तो इमेज डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यस। इमेज डिस्टेंस कितना था, 20 ना इमेज डिस्टेंस, हाँ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 20। इमेज डिस्टेंस कितना फाइंड किया आपने, 60। तो बराबर 60 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 20 सेंटीमीटर, यस करेक्ट। और माइनस आया मतलब ऑन द सेम साइड, ध्यान दो एक एक सिंगल पॉइंट छूटा तो गए राम से। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन एफ एंड सी, डिस्टेंस कितना है 20। इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी, पहले तो सी का ही डिस्टेंस पोल से कितना है 40 ना 30। गुड, मैं बार बार ये करूंगा, कितना है रेडियस 30। इमेज कहाँ बना, तो इमेज डिस्टेंस कितना होना चाहिए ग्रेटर देन 30, हमारा कितना आया करेक्ट है, और माइनस आया, यस। तो इमेज फ्रॉम दिस रियल, गुड गुड। देन सिमिलरली तो बी प्रिपेयर्ड, ऑप्टिक्स में मैं इतनी बार ऐसे वर्ड बोलूंगा क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि +4 की -1। अब ज्यादा कुछ सोचना नहीं, हमने ऑलरेडी ये कंसिडर किया था कि दोनों ऑब्जेक्ट का इमेज क्या है, रियल है, और वही सोच के हमने यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज किए थे। तो सिर्फ 1/v2 अगर फाइंड करना है तो 1/u2 - 1/f2 लिखना नहीं, f 1/u2 40, फोकल लेंथ इज 15, दिस इज 15 - 40 × 40 × 15। तो 1/v2 इज -25/40 × 3 × 1 × 8 × 3, तो v2 कितना -24 सेंटीमीटर करेक्ट है, राइट right? क्यों, क्योंकि सेकेंड ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था 40 सेंटीमीटर, तो इमेज उसका बिटवीन एफ एंड 12, एफ 15, 12 30, तो 15 और 30 के बीच में है क्या, यस 24। दिस इज हाउ यू कैन क्रॉस वेरीफाई लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज v1 - v2, v1 कितना था माइनस, ये कितना है, तो -60 - तो कितना -36, माइनस आना मतलब बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, हो गया आंसर खत्म। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।